सीखते बड़े, कल्लू सीखते बड़े, सब जाना सीखते बल्लू। समर सिंह हीरो में हमें आप देखिए 35 लाख से ऊपर समर सिनेमा कैसे नाम जल अब टीवी पर रिमोट पर आ गए। औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला, ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। आज सुबह से ही खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो विवादित भी है। इस पर कई भोजपुरी स्टार के प्रतिक्रिया भी आ चुका है, लेकिन अब जो प्रतिक्रिया आई है वो रितेश पांडे की तरफ से आई है। वो जमकर बरस रहे हैं और औकात भी दिखा रहे हैं। वो किसकी औकात दिखा रहे हैं, खेसारी लाल यादव को क्या याद दिला रहे हैं और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये सब कुछ सुनिए। उनके फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है, आप देखिए। औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला, ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। पैसा बहुत आदमी भीड़ बाटे, पैसा तो ऐसा ऐसा आदमी भी पैसा देख ले भैया, तब तब अंबानी तो केहू के जी ही ना देतन। आ एक से एक अमीर अमीर आदमी बड़न, हमार कई गो दोस्त बड़ा सन, वो उंगनी के परिवार आ वो सोने के थरिया में खाला सन, तो केहू के जी ही ना देसन। औकात का पैमाना पढ़ाई लिखाई, आपका बोल चाल कैसा है, समाज में आपकी इज्जत क्या है, इन सभी चीज, हाँ पैसा भी उसमें एक किरदार है, लेकिन बहुत सारी चीजों को मिला के औकात बनती है। पैसा तो दूसरे के साथ सोने वाला जो कारोबार होता है उसमें भी लोग कमाते हैं, तो उनकी औकात बहुत बड़ी हो गई, बिल्कुल नहीं। औकात नापने का मापने का पैमाना कभी भी पैसा नहीं हो सकता। आपने अब सारी चीजें खुली हैं तो हम वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपने किसी स्टेज पे खड़ा होके बोला हमारे बारे में कि भाई गोलू राजा जी भी थे वहां पे, कि इनका कोई एक गाना हिट होने वाला था तो किसी ने उठा के गा दिया। आपने क्या किया है भैया, हमारा एक गाना हिट हुआ था करुआ तेल, उसको गा दिया था आपने, आपने तो हमारा करियर खत्म कर दिया था। एक गाना और था हमारा, अभी बजलने के पांच का है बंद फैल नाच, वो भी गाया था आपने। चुनरी झलकौआ वो भी गाया आपने। हमारा तो आप करुआ तेल मेरा पहला गाना बजा था, खून भरी मांग आपने पिक्चर में गाया था, हमारा तो करियर खत्म कर दिए थे आप। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और दर्शकों का प्यार नहीं होता, हमारा जाए चंदा नहीं आया होता तो हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। और हमारा ही क्या, हमारे जैसे सैकड़ों लड़कों का आप करियर खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज का ही वीडियो देखा था मैंने, झगड़ा गाना एक गाया था आपने और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया, आप हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना किसी को कुछ बोलने से पहले। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख, हमारा 2 रुपए का औकात है। लेकिन औकात में हम आपसे बहुत बड़े हैं, 2 रुपए की औकात है फिर भी औकात में आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं, कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आज तक, कंट्रोवर्सी में रहना आप चाहे हैं, कंट्रोवर्सी किस वजह से आपको फायदे भी बहुत मिले हैं। आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से ही आपको फायदा मिला है। हम बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों की आप औकात देखे हैं, औकात का पैमाना बिल्कुल पैसा नहीं होता है। और जो रियली औकात बोलेंगे ना उसमें हम आपसे बहुत बड़े हैं औकात में।
बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, आप अपने आइडियल मानने वाले लोगों को यही सिखा रहे हैं। ये तो पहले लोग उपहास कहते थे ये बात बोल के। आप जाके अब जिस यादवों के सिरमौर हैं अखिलेश यादव जी माननीय, उनके सामने जाके कहेंगे कि तुहार बुद्धि ठेवना में बा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं, उनके सामने जाके कहिए कि तुहार बुद्धि ठेवना में बा, समझ में आ जाए। और आप बिरादरी की बात करते हैं, आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिए? आपके बिरादरी के ही तो हैं, एक फिल्म में उनको ले लिए होते। अरे कुछ भला कर दिए होते अपनी बिरादरी का? आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं, आपकी बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, किसी एक की उंगली, अरे हमारी छोड़िए, किसी एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ गए होते कि ये मेरा भाई है। भैया मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोगों की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है, हमारा फिल्म गया है सरफरो 60 लाख रुपए में, बड़े भाई प्रवेश लाल यादव जी भी हैं, हमारी फिल्में हैं, डोली फिल्म है, और औकात सभी चीजों को मिला के होती है ना। आप किस चीज में मेरे साथ औकात मेरा औकात ना पिए, आप कभी बैठ लीजिए, एक एक्टिंग स्किल देख लीजिए। आप दौड़ने की बात करते हैं इंडस्ट्री में बहुत, एक एक मैंने कल आपका वो देखा, उसके बाद मैंने बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था, इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा। मैंने उनको फोन किया, बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप, दौड़ की प्रतियोगिता, जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरोज को भाग लेवाइए, और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को, आज से 6 महीना बाद, 6 महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए, 6 महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का इंडस्ट्री में। अब आप पवन भैया ही नहीं है, हम लोग भी हैं, छोटे छोटे आपके भाई आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, चिंटू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, गौरव झा जी हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत जी हैं, आदित्य भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको सम्मिलित किया जाए, 6 महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ, 6 महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी। देखते हैं कौन जीतता है, हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप, खाली सुई लगा के बॉडी फुलौला से हो जाए। और हमको एक बात ये भी पता है कि 2 दिन बाद आप आके फोन फेसबुक पे रोएंगे, हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? आप किसी को आने नहीं देना चाहते हैं? आप जिस जगह पे हैं ना, उस जगह पे कोई और था पहले, अगर वो ये सोचा होता ना कि अपने से छोटों को, अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप इस जगह पे नहीं होते। उस जगह पे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, दिनेश लाल यादव जी, अगर ऐसा सोचे होते कि अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप लोग इस जगह पे नहीं होते। अरे अपने से छोटे कलाकारों का सपोर्ट करिए, मालिक ईश्वर ने इतना दिया है आपको। आप खुद बोलते हैं कि आप लिट्टी बेचते थे, इतना ज्यादा आपको ईश्वर ने दिया है, कुछ लोगों का हेल्प कर देंगे अपने से। मैं जूनियर हूं आपका, प्रमोद प्रेमी जूनियर है, कल्लू जी जूनियर है, समर सिंह जी जूनियर है, गुंजन सिंह जी जूनियर है, जिनका जिनका आप औकात देखे हैं। सुबह एक सुबह जो मैंने वीडियो देखा है उसमें, वो सारे लोग आपसे जूनियर है, उनका उंगली पकड़ के थोड़ा आगे बढ़िए, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। अरे हम साउथ में देखते हैं एक छोटे से स्टार का कि कोई वीडियो और गाना और मूवी रिलीज होता है ना, तो बड़े बड़े उसके जो सीनियर हैं, बड़े स्टार हैं, आके प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं,
सीखिए कुछ बाहर से, और हम बाहर बदनामी होती है इन सब चीजों से, बाहर बदनामी होती है। कुल मिला के हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़े भाई हैं आप और ईश्वर ने आपको सब कुछ तो दे दिया। अगर पैसा ही चाहते हैं, आपको पैसा तो बहुत दे दिया है भगवान ने, थोड़ा कुछ ऐसा करके जाइए दुनिया से कि आपको देख के लोग सीखें। वरना सबको है आपके जाने के बाद या मेरे जाने के बाद लोग बोले कि अच्छा आदमी था यार, लोगों के लिए करके गया। इसी बात के साथ क्षमा चाहते हैं, बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है ना यार। अपना काम कर रहे हैं हम लोग, आप हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, आप अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपशब्द भी तो मत बोलिए। आप ऐसा शब्द बोले हैं, मुझे लाइव में बोलने में शर्म आ रहा है। यही यही सीखेंगे हम आपसे, हम आपसे जूनियर है ना, हम आपसे क्या सीखेंगे कि हम भी कभी सीनियर हों तो अपने जूनियरों को ऐसे ही बोलें, ऐसे शब्द का प्रयोग करें। तो आपने देखा है किस तरीके से हृदयेश पांडे क्या सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जब से खेसारी लाल यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब से भोजपुरी के कई बड़े स्टार आकर उनकी आलोचना कर चुके हैं। इसमें एक वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं जो बताशा चाचा और मनोज टाइगर का भी है, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। लेकिन देखना यह है कि जो वायरल वीडियो है इस पर खेसारी लाल यादव क्या सफाई देते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।